दरवाजे बड़े करने हैं मुझे अपने आशियाने के, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बड़े हो गए हैं बाद चार पैसे कमाने के। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपके पैसे के डबल होने के टर्म के बारे में, यानी कि पैसा सबको चाहिए लेकिन बहुत बार क्वेरी आती है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भैया मैं FD करना चाहता हूँ या फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो वो पैसा कितने दिनों में या कितने साल बाद डबल होगा। दोस्तों, इसका एक फार्मूला है, आज हम आपके सामने उस फार्मूले को रखेंगे और आप बताएंगे कि ये फार्मूला आपको कैसा लगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। दोस्तों, कहीं भी आप FD करते हैं तो उसमें आजकल एक आपको फिक्स डिपॉजिट में एक आपको जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर दिया जाता है कि इतने साल से आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको इतना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर मिलेगा। पहले एक टर्म हुआ करता था कि आप इतने साल में डबल हो जाएगा, लेकिन आजकल डबल होने वाली कहानी बैंक आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स नहीं बताती हैं, बल्कि आपको ब्याज दर बता दिया जाता है। तो आपको उसमें अंदाज़ा ये नहीं लग पाता कि हम इतना ब्याज दर में हमारा जो पैसा वो कितने साल में डबल होगा। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि आपका पैसा कितने साल में डबल होने वाला है। दोस्तों, एक नियम है, इस नियम को कहते हैं रूल ऑफ 72, यानी कि 72 का नियम। बहुत सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों कि आपको आपके FD पे जितना ब्याज दर मिल रहा है, यदि आपने FD बना लिया है तो, या आप बनाने वाले हैं तो जहाँ से जिस बैंक से आप बनाने वाले हैं उस बैंक से पता कर सकते हैं कितना ब्याज दर मिलने वाला है, या फिर उस बैंक की ऑनलाइन साइट में जाकर पता कर सकते हैं कि आपको ब्याज दर कितना मिलने वाला है। अब आपके पास ब्याज दर आ गया है, अब आपको करना यह है कि जो रूल ऑफ 72 है, 72 मतलब 72, 72 का भाग जो हमारा ब्याज दर है उससे हम देंगे। जैसे एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ दोस्तों कि मान लो कि बात कि आपको आपके FD पर 8% का ब्याज मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि 72 को 8 से भाग देना है। अब 72 भागित 8 कितना गया दोस्तों? 9। तो 9 आपका उत्तर है, यानी कि यदि आपके FD पर आपको 8% का ब्याज दर मिल रहा है तो आपका जो FD है 9 साल में डबल होगा। बहुत सिंपल सा तरीका। दूसरा उदाहरण आप सिंपल से देखिए, मान लो कि आपके FD पर 6% का ब्याज मिल रहा है, तो 6% के ब्याज के लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 72 को भाग दे दीजिए 6 से, मतलब 72 भागी 6 कितना आ गया? 12। तो आपका जो FD है, यदि उसमें 6% आपको जो है ब्याज मिल रहा है तो आपका FD 12 साल बाद डबल होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस ट्रिक की जानकारी आपके दोस्तों को भी हो सके और वो अपने FD कितने साल में डबल हो रही है इसका आकलन वो कर सकें। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको अपडेट लगातार मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।